यानी बसाए पिपेन शोभ आश्रम जानी बसाए पिपेन शोभ आश्रम जानी क्या करते हैं जहाँ जप जग जोग मुन कर रही अति मारी जसबाहु जहाँ जप जग जोग मुन कर रही अति मारी जसबाहु मेरे भाई बहन आश्रम जाने वन में रहते हैं और आश्रम भी शुभ है बसें शुभ आश्रम यानी स्थान भी पवित्र वहाँ रहते हैं क्या करते हैं वन में जहाँ जप जग के जोग मुन कर ही अति मारीच सुबह हुई डरी देखिए मेरे भाई बहन क्या मुनि नहीं महामुनि है ज्ञानी नहीं महाज्ञानी है वो रहते हैं वो स्थान पवित्र है स्थान पवित्र है और वहाँ कर्म भी पवित्र है जप जग कीजिए लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है गांध तने मन चिंता व्यापी और हर में मर है विचार कर ले ज्ञानी नहीं महाज्ञानी मुनि नहीं महामुनि स्थान भी पवित्र है और कर्म भी पवित्र है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है सफलता नहीं मिल रही है क्यों सीधा सा अर्थ है मेरे भाई बहन चाहे जितना देश पवित्र हो चाहे कर्म पवित्र हो चाहे कर्ता पवित्र हो और चाहे स्थान पवित्र हो एक चीज बच गई है वो है हरि की कृपा हरि कृपा कर्म करो कितना सफलता मिलती नहीं यानी कर्म परिश्रम करो कितना भी सफलता मिलती नहीं निराशा निशा मिटती नहीं कब तक जब तक कृपा भान उदय होते नहीं तब तक मुकेश चंद आनंद पाकर ही अपना जब जाग लगता है सपना तन बदलो कितना पर प्रभु भजन के बिना कभी जन का जीवन बदलता नहीं है प्यारे आज हार गए काद तने मन चिंता व्यापी हर बिन मर है निश्चर पापी तो भाई बहन हार अच्छी है कि जीत हार अच्छी है हार के यदि आदमी भगवान से जुड़ जाए तो वो हार अच्छी है और वो जीत अच्छी नहीं है कि आदमी नारद जी अभिमान से जुड़ जाए किसी चीज में सफलता मिल गई है और सफलता मिल गई यदि आदमी अभिमान से जुड़ जाए तो वो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है माई डियर वो हार अच्छी है कि जिसमें हार के वो जीव भगवान से जुड़ जाए तो विश्वामित्र जी हार गए लेकिन हारते ही उन्हें हरी याद आ गए कि हर बिन मर है निश्चर पापी हार गए और हारते ही हरी याद आ गए तो अन्य महात्माओं से विश्वामित्र जी कह रहे हैं इस यज्ञ को तो विराम दो और मैं अयोध्या जाऊं क्यों जाऊं राधे सामने वाले क्यों जाऊं अयोध्या इसलिए कि प्रभु का अवतार हो चुका है प्रभु का अयोध्या में अवतार हो गए तो मैं अयोध्या जाऊं पर अयोध्या जाऊं लेकिन यह सोच रहे हैं कि मैं जाऊं कैसे क्योंकि श्री दशरथ जी के पुरोहित हैं श्री वशिष्ठ जी और वशिष्ठ जी से तो मेरा जिंदगी भर का झगड़ा है वशिष्ठ जी से मेरा जीवन भर का झगड़ा है तो कैसे जाऊं अब आएगी व्यक्तिगत
ये साधुता नहीं रही कि यानी बसंतरी से मेरा झगड़ा है तो कैसे जाऊं, ये आगे व्यक्त करते हैं। तो जब तक व्यक्ति निजी मान सम्मान से ऊपर नहीं उठेगा तब तक लोक हित का कोई कार्य कर नहीं सकता। विश्वामित्र जी कहते हैं मैं जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, इसलिए इस बहाने जाऊंगा, आंसू बहाने के लिए इस बहाने जाऊंगा, इस बहाने जाऊंगा या सुबहाने के लिए, सुबहाने जाऊंगा सुबहाने के लिए, इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए। प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए, दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए, इस बहाना आंसू बहाने के लिए, इस बहाने जाऊंगा जाकर कहूंगा प्रभु से मैं। विश्वामित्र जी कह रहे मन में संकल्प विकल्प उठ रहे, मैं कहूंगा भगवान से कि मैं तो तुम्हें वन में ढूंढ रहा था और तुमने मुझे फिर घर में बुला लिया। जाकर कहूंगा प्रभु से मैं घर में मुझे बुलवा लिया, इसलिए आया हूँ मैं पन में बुलाने के लिए, इस बहाने जाऊंगा या सुबहाने।